हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे यूपी बीएड के पेपरों के बारे में। दोस्तों आपको पेपर में कैसे लिखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, दोस्तों यहां पर आज हम कुछ टिप्स दे रहे हैं आपको। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा आपके पेपर पे, पेपर दिखाऊंगा मैं, एक पेपर उठ लूँगा आपका, वो कैसे लिखना है, हर जो आपको टॉपिक बताए गए हैं, जो टिप्स बताए गए हैं, उन टिप्सों के आधार पर बताऊँगा किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है। तो दोस्तों इसके जस्ट बाद आपको वीडियो मिलेगा जिसमें एक पेपर लिया जाएगा, पेपर फर्स्ट या सेकंड कोई भी हो सकता है, मतलब आपको उसके आधार पर लिखना है, तो तरीका बताया जाएगा, वो हर पेपर में फॉलो करना है आपको। तो पहला, सबसे पहला देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, मतलब प्रत्येक प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है, मतलब प्रत्येक प्रश्न आपको लिख के आना है, आपको वो चाहे आता हो चाहे नहीं आता हो, नहीं भी आ जाए तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे वहां पर, ठीक है, आप किस तरीके का सोच पा रहे हैं तो आपको उस सोचने के भी नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अब अगर नहीं छोड़ना है तो सारे क्वेश्चनों के लिए टाइम कैसे मैनेज करेंगे, सबसे बड़ी बात ये आती है, कितना क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में कितना लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर पहले पेपर में सबसे ज़्यादा शिकायत ये मिलेगी बच्चों की कि सर हमारा टाइम कम पड़ गया, नहीं तो हम और भी लिखते, लेकिन समझ का सदुपयोग करेंगे और समझेंगे कैसे आपका टाइम कम नहीं पड़ेगा। पहली चीज़ आपने समझ ली, प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है। दूसरा, सबसे पहले वो प्रश्न करेंगे जिसमें आप सबसे अच्छे लिख सकें, जिस प्रश्न को आप सबसे अच्छे से लिख सकते हैं। क्यों, देखिए किसी का भी आप अपना कह सकते हैं इम्प्रेशन दिखाने के लिए उसे शुरुआत में अच्छा दिखाएंगे और वो उस तरीके से अपना माइंड सेट कर लेगा, और फिर अगर आपकी छोटी मोटी कमी भी होगी ना, नंबर उस पर भी मिल जाएगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। दूसरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको अच्छे से आते हैं, अच्छे से आप लिख सकते हैं, मतलब उस पॉइंट पर, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं तो हम अच्छे से लिखेंगे, और बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जिनमें हमें कम जानकारी होती है तो उनको हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा, अति लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे और वो 100 शब्दों में आपको लिखने होते हैं, समझ लेना। दूसरा, इसके अलावा आप देख रहे होंगे लघुत्तरी भी आएंगे और लघुत्तरी 300 शब्दों में आएंगे, दीर्घोत्तरी 600 शब्दों में आएंगे। ये आपको बताना है, लिखना है, इससे ज़्यादा मैं कभी मत जाना बता दूं, लगभग इतने पे ही रहना है। तो करेंगे क्या, ध्यान रखना कि सीधा ऐसा नहीं होगा कि हमने लघुत्तरी उठाया और लघुत्तरी में आपने लिखना शुरू कर दिया और लिखते लिखते आपको ध्यान ही नहीं रहा कि हमने 100 शब्द लिखे हैं या 90 लिखे हैं या 110 लिखे हैं या 200 लिख लिए, ठीक है। तो देखिए, चाहे वो लघुत्तरी हो, चाहे अति लघुत्तरी हो, चाहे दीर्घोत्तरी हो, इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन हो, आपको शुरुआत में लगभग इसके 20% शब्द कम लिखने हैं, समझ लेना, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं, 20% शब्द कम लिखने हैं, लगभग 80 इसमें लिखेंगे, ठीक है, लगभग 250 या 240 के आसपास होता है इसमें लिखेंगे, और इसमें होगा लगभग 500 के आसपास, मतलब ऐसे अगर आप लगभग इसमें 20 कम, इसमें 50 कम और इसमें 100 कम, लगभग ध्यान रखना इतने शब्द शुरुआत में लिखने हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। अगर आपका टाइम नहीं भी बचता है तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट है कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, अगर ये शब्द सारे लिखे होते तो आपका क्वेश्चन छूट जाते। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुरुआत में आपको सारे क्वेश्चन लिखने हैं, पहले वो क्वेश्चन लिखने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, फिर सारे क्वेश्चन को लिखना है, थोड़ा थोड़ा सब क्वेश्चनों में लिखेंगे, जिससे कि देखिए अगर क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा तो 0 नंबर मिलेगा, मतलब उसका नंबर नहीं मिलेगा, अगर लिखा है तो कुछ तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, आपके व्यू का, तो वो आपका व्यू भी जानना चाहेगा कि हम क्या करते हैं, अपने व्यू भी देते हैं हम उसके बारे में कितना जानते हैं, ठीक है। अगला बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, पहले सभी प्रश्न थोड़ा थोड़ा यानी कम लिखें, थोड़ा कम लिखें, मतलब कह सकते हैं 2 से 3 लाइनें, 2 से 3 यानी 5 लाइन तक हो सकता है मैक्सिमम, लाइनों के हिसाब से अगर देखेंगे, अगर शब्दों के हिसाब से कोई नहीं काउंट करता है तो 2, 3, 5 लाइनें कम लिखें, और उसके बाद ध्यान रखना क्वेश्चन के बाद स्पेस छोड़ना है लगभग 5-7 लाइनों का। अगर आपने स्पेस नहीं छोड़ा तो दोबारा में अगर समय बचेगा आपके पास तो आप उसे नहीं लिख पाएंगे फिर जो आपको आता है उसमें समझ में, तो फ्रेश माइंड हो जाता है जब हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, तो जो क्वेश्चन रह जाते हैं कम लिखा होता है जिन पे, वो हम इजीली अच्छे तरीके से सोच समझ के विचार करके उस पे अच्छे से लिख सकते हैं फ्रेश माइंड में। और अगर हम डरते डरते लिखेंगे, अगर हमें समय कम बचेगा तो हमारे अंदर एक डर पैदा हो जाएगा जिसके कारण हम अच्छा नहीं लिख पाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बाद में उन्हें पूरा करें समय बचने पर, मतलब जो आपने छोड़े हुए क्वेश्चन थे, जो जगह छोड़ रखी थी उनको समय बच गया तो पूरा कर दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 4-5 लाइनों में वो अपना नंबर दे देगा और आपको
कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, प्रश्न में उपयुक्त शब्द का अर्थ अच्छे से समझें। देखिए प्रश्न में कई कई बहुत जगह समायोजन, शांति, शिक्षा ऐसे वर्ड आए, तो आप उनका मतलब अगर जानते होंगे तो आप उसे अच्छे से समझ सकेंगे। तो अगर नहीं जानते तो समझ लेना इसे किस सब्जेक्ट में, किस पेपर में पूछा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसका अर्थ क्या है, और उसके बाद उस पर लिखें। और अंतिम आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर आपको राइटिंग के नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना। इनमें क्या होगा कि अगर आपका राइटिंग अच्छा होगा आपका परसेंटेज अच्छा आएगा, ये लिख के ले लीजिएगा। और अगर आप राइटिंग अच्छा नहीं लिखेंगे तो थोड़ा राइटिंग पे भी ध्यान देंगे, अच्छे से लिखेंगे, हेडिंग का प्रयोग करेंगे, समय जैसे समय नहीं बचता है तो आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, मतलब जो जगह रह जाती है उसको छोड़ देंगे बिना डर के, और अगर आपके पास समय बचता है तो उनको अच्छे से पूरा करेंगे। ठीक है, और पहले थोड़ी थोड़ी लाइनें ही बढ़ाएंगे सब में, और जैसे समय की वो होगी वो आपका सदुपयोग समय का उस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ टिप्स हैं आपके लिए जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और इसके बाद जस्ट हम आपके लिए एक पेपर बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, मोटे मतलब हमें नहीं पेपर क्वेश्चन आता है कोई, तो उस क्वेश्चन पर हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि आपने इससे पहले वीडियो में लाइक और शेयर बहुत कम किए थे, जिससे कि डिमोटिवेशन मिलता है, जिससे कि जो वीडियो बनाते हैं उसमें उत्साह नहीं रहता है। इसलिए आपको लोगों को लाइक और शेयर करते रहना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से लोग जुड़ सकें और हम आपके लिए वर्क कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।